हेलो एवरीवन, नमस्ते। मेरा नाम कविता जैन अरोरा है और मैं मुंबई की रहने वाली हूँ। बेसिकली मैं दिल्ली से हूँ, लेकिन पिछले 9-10 सालों से मैं मुंबई में रह रही हूँ। मैंने पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में बीए किया है और मैं एक होम मेकर हूँ। बचपन से ही मुझे सिंगिंग का बहुत शौक था, मतलब अगर आप पूछे तो एज अ हॉबी मेरी म्यूज़िक से मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होती हूँ, आवाज़ों से मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होती हूँ। और स्कूल में भी मेरे टीचर्स, मेरे फ्रेंड्स, इवन टिल नाउ अभी तक भी लोग मुझे ऐसा बोलते हैं कि मतलब कि हाँ, मेरी आवाज़ अच्छी है। तो मुझे लगा कि कुछ गॉड गिफ्ट तो है, लेकिन इसको और ऐसा क्या किया जाए कि इसको और आगे लोगों तक पहुंचाया जाए, जिससे मतलब मुझे और उसको अपनी आवाज़ को और अच्छा और बेटर करने का मौका मिले और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरी आवाज़ पहुंचे। वॉइस ओवर के बारे में जब मैं गूगल पे, यूट्यूब पे R&D कर रही थी, तो मुझे बहुत सारे लिंक्स मिले, बहुत सारे इंस्टीट्यूट का के बारे में जानने को मिला, लेकिन कहीं से कुछ सेटिस्फैक्ट्री नहीं आ रहा था कि कहाँ से मुझे करना चाहिए, और बहुत कंफ्यूजन था। तो सडनली दीपक सर की दीपक वॉइस कॉम का मुझे लिंक मिला और मैंने वहाँ पर जाकर उनकी साइट पर देखा और सर से भी मेरी बात हुई। तो उसके बाद मैंने उनका फेसबुक पे भी देखा, तो वहाँ पर उनके स्टूडेंट्स से भी मैंने उनके वीडियोस देखे जो कि काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री थे। वहाँ पर उनका एक लाइब्रेरी है जहाँ पर आप उनका जिन जो स्टूडेंट्स हैं उनका आप वॉइस जो सैम्पल्स हैं वो आप सुन सकते हैं, तो आपको एक क्लैरिटी आती है कि हाँ, आपको क्या सीखने को मिलेगा वहाँ। ट्रेनिंग से पहले मुझे मालूम नहीं था कि मुझे मेरी सब बोलते थे कि हाँ, आवाज़ अच्छी है। मुझे भी मालूम था कि हाँ, मेरी आवाज़ अच्छी है, मैं बोल सकती हूँ, शब्दों का उच्चारण मेरा अच्छा है, क्लियर है, लेकिन मुझे ये नहीं मालूम था कि मैं अपनी आवाज़ को कैसे प्रोफेशनली यूज़ कर सकती हूँ, कहाँ मेरी आवाज़ काम कर सकती है, कैसे मैं उसको एक दिशा दे सकती हूँ। वो सब मुझे ट्रेनिंग से पहले नहीं मालूम था। हर क्लास में एक जॉनर कंप्लीट कराया जाता था, सर कंप्लीट कराते थे एक जॉनर, और क्लास के बाद हमको असाइनमेंट दिया जाता था जिसको कंप्लीट करने के लिए हमें 1 वीक का टाइम मिलता था, और नेक्स्ट क्लास में सर उसके बारे में, असाइनमेंट्स के बारे में हमको फीडबैक देते थे, जिससे हमें पता चलता था कि हमें कहाँ उसको इम्प्रूव करना है। इसके अलावा टेक्निकली सर ने हमको काफ़ी समझाया, जैसा कि आप देख पा रहे हैं मेरे पास एक होम सेटअप है मेरा अपना, जो सर ने ही मुझे जिसके बारे में बताया कैसा माइक लेना है, कैसे सॉफ्टवेयर सर ने हमें बताया कि कौन सा सॉफ्टवेयर हम यूज़ कर सकते हैं अपना वॉइस सैम्पल रिकॉर्ड करने के लिए, कैसे उसमें एडिट करना है। तो टेक्निकली भी सर ने हमको काफ़ी नॉलेज दिया इस बारे में। मेरी 2 languages हैं, मेरी फर्स्ट लैंग्वेज है हिंदी और मेरी सेकेंड लैंग्वेज है इंग्लिश, जिसमें मैं कंफर्टेबली अपने प्रोजेक्ट्स हैंडल कर सकती हूँ। उस इन डाउट के ऑनलाइन ट्रेनिंग कभी करी नहीं है, कभी ऐसा कुछ अटेंड नहीं किया था कि ऑनलाइन, और अभी लॉकडाउन की वजह से एक ये नया एक्सपीरियंस हमारी लाइफ में आया कि हमें ऑनलाइन क्लासेस करने का मौका मिला। तो स्टार्टिंग में तो थोड़ा डाउट था कि कैसे होगा, कैसे कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, पर जैसे जैसे क्लास स्टार्ट हुई, एक फर्स्ट और सेकंड क्लास के बाद मतलब थोड़ा कंफर्टेबल लेवल बढ़ गया कि हाँ, मतलब ये कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ऑनलाइन क्लासेस भी की जा सकती हैं इसमें कुछ। और जबकि सर हम लोगों को सामने मतलब 1-to-1 क्लास होती थी, तो ऐसा फील ही नहीं हुआ। सर हमें हमेशा यही बोलते थे कि हाँ ठीक है, आपको कुछ पूछना है तो पूछिए, मैं बैठा हूँ सामने, तो एक ऐसा फील आता था कि हाँ, हम लोग क्लास में ही हैं और सर हमारे सामने हैं। और कभी सर ने ऐसा फील ही नहीं कराया कि हम लोग कभी मैं मुंबई में हूँ और सर दिल्ली में हैं, तो ऐसा कुछ हम लोग लॉन्ग डिस्टेंस से पढ़ाई कर रहे हैं या कुछ सीखने को मिल रहा है। तो ऑनलाइन क्लासेस का एक्सपीरियंस नया तो था, पर हाँ, कुछ इसमें फ़र्क नहीं मिला, नहीं पड़ा, और जितना हमको सीखने को था उतना हमें सीखने को मिला। ऑनलाइन क्लास की मुझे
सबसे अच्छी बात ये लगी कि आप अपने घर के कंफर्ट में रहते हैं, अपने होमली एटमॉस्फेयर में रहते हैं और घर में रह के दीपक सर जैसे एक्सपर्ट से आपको सीखने को मिलता है, तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है।